contrary. I know him for the last many years. Dr. CSR, I know many years. Dr. Pankaj, I know him for many years. Dr. Dikshit, of course, we have never met, but I heard his name. So I reached Prabhakar, Dr. Adav Kumar, Dr. Anurag, and from my blood bank to help this project. I am very grateful to Dr. Chetan Patel. He's a very dynamic, very soft-spoken, and very kind-hearted man. Very kind-hearted man. I know him for the last many years. And he's a brain behind to do this work in India. And he has started. And I'm very grateful to him personally also, and on behalf of the state, that you have given us a chance to at least to start to sensitize our calm and quiet, very knowledgeable man, and I always take a guidance from him. Incoming presidents, the instructors come from the Philippines, from Nepal, and from India. I am Dr. Mayan Santa Lucia from the Department of Health of the Philippines, Regional Office 6, and we have some instructors coming from Nepal as well as from India. Hope course, the hospital preparedness for emergencies is to capacitate, to give knowledge and skills to hospital personnel on how to respond to emergencies and disasters. We have a total of 22 participants coming from many parts of India, and we hope that as they go back to their respective hospitals, they are going to establish the incident command system, principal hospital incident command system, and they're going to formulate their disaster preparedness plan. These two are the major output for the HOPE course participants. Uttarakhand state इसमें disasters ज़्यादा होते हैं, तो हमारा प्रयत्न कोशिश ये रहा है कि जो भी doctors यहाँ आए हैं उनको डिजास्टर अगर होता है तो किस तरह से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि जिसकी वजह से जो डिजास्टर की वजह से जो प्रॉपर्टी या मनुष्य को जो लॉस होता है नुकसान होता है वो कम से कम हो. और हम डिजास्टर को प्रिवेंट तो कर नहीं सकते, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि डिजास्टर के लिए हम तैयार रहें. जिस तरह से हम तैयार रहेंगे तो जो नुकसान होता है वो कम होगा तो मनुष्य और हमारे सोसाइटी को लाभ होगा. ये जो होप कोर्सेस यहाँ हमने जो अरेंज किया है उसका मॉड्यूल ऐसा है कि दिस इज एन थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, दोनों तरफ से उनको ज्ञान दिया जाता है. तो उसमें हम 24 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जो छोटा ग्रुप होता है तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो देना पड़ता है तो वो उससे वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं. इसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम में 22 डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग दिया है. ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक और प्रोग्राम हो गया था लास्ट ईयर में गुजरात में, और एक और प्रोग्राम हम इंडिया में कहीं और जगह भी करने वाले हैं. यहाँ के डॉक्टर भी देखा जाए तो सर यहाँ पे भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, और डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ऐसे में क्या 22 में जो 24 ही डॉक्टर जो नहीं, हाँ ऐसा है, मैंने बताया कि इस तरह से एक साथ ज़्यादा डॉक्टर्स को एक साथ ज़्यादा एक ही समय में ट्रेनिंग देना एडवाइजेबल नहीं है. हम ऐसा करेंगे कि दे विल बी ट्रेन इन ए बैच वाइज, थोड़ा छोटा छोटा ग्रुप बना के ऐसा ट्रेनिंग देते रहेंगे. और हमने, मैं तो बाहर गुजरात से आया हूँ, बट जिस तरह की तैयारी है प्रिपेयरनेस मैंने उत्तराखंड में देखी, उन यहाँ के जो डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन जो हुआ उससे पता चला कि यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, और द डॉक्टर्स एंड द स्टेट इज आर प्रिपेयर्ड. ये अगर आपदा आती है तो उनके लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है. आज जो ट्रेनिंग का हो रखा है आप लोगों ने, तो किस तरह से आप समझते हैं कि क्या डायरेक्टर को बचाना है, मतलब डायरेक्टर को कवर करना, क्या ये 24 से डॉक्टर कर पाएंगे? हाँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है. एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं से शुरू तो करना है. ये IMA ने ये बेरा उठाया कि डिजास्टर के लिए हमने डॉक्टर को ट्रेनिंग दिया जाए.
इसीलिए ये यहाँ पे फर्स्ट हमने पहला वाला गुजरात में हुआ था, ये सेकंड इंडिया में, ये उत्तराखंड में, ये हमने इसलिए लिया यहाँ पे कि उत्तराखंड बीएसएफ प्रोन एरिया है। आपको केदार का इंसिडेंट याद ही है 2013 का। और ये जो अभी 22 से जो ट्रेनिंग किया है, ये अभी पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ जाएगा इन्होंने ट्रेनिंग देगा, इनका काम है। क्योंकि डिजास्टर ऐसा है ना, डिजास्टर के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है साइंटिफिक वे में। डिजास्टर खाली ऐसा नहीं जाके मलम पट्टी कर देना, ये नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज़ें होता है जिसमें कवर हो जाता है। ये कहाँ कैसे है? उत्तराखंड से हमारा है, आपका कम से कम 12-13 तो हमारा उत्तराखंड से है, 12-14 करीब हमारा उत्तराखंड से है, बाकी उत्तराखंड से है, आपका गुजरात से भी आ रखा है, महाराष्ट्र से भी आ रखा है, यूपी से भी आ रखा है, और गोवा से भी है, गोवा से भी एक ट्रेन एक आ रखा है पार्टिसिपेट किया। तो मतलब लगा के चले तो 20-22 ट्रेनर आपके बाहर से आ रखे हैं? नहीं नहीं, टोटल 22 है, 22 में से 15 तो हमारे स्टेट का है, 15 हमारे स्टेट का है, बाकी 7 बाहर का है, गोवा से आ रखा है, गुजरात से आ रखा है, महाराष्ट्र से भी आ रखा है, यूपी से भी आ रखा है। जैसे अभी 22 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है, तो क्या आगे भी कोई ऐसा बैच भी दोबारा आप कराएंगे? हाँ, ऐसा ट्रेनिंग मैं आपको बता दूँ, ये जो 22 अभी ट्रेनिंग किया ना, ये 22 गवर्नमेंट से मिलके प्राइवेट डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर को ट्रेनिंग देती जाएगी। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये शुरुआत कर दी हमने, ये चलते रहेगा। आगे हमारा प्लान है, हजबा ने डिस्कशन किया है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो प्राइवेट का है, इनको भी ट्रेनिंग दे देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार के अकेला सरकार का बस का नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज करना, इसमें सरकार गवर्नमेंट दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, तभी जाके डिजास्टर तो हो गई, डिजास्टर का हम रुक नहीं सकते, मगर जब हो जाए उसको उसका हमने उसका कैसे इलाज करें, इलाज का मतलब ये नहीं दवाई देना, उस चीज़ को कैसे हमने ट्रीट करें आगे का, उसका जिसका एक्सीडेंट होता है, जिसका परिवार का सब चला गया, उसका मेंटल मानसिक समस्या बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, तो उसका भी हम कई सारे काम करने पड़ेगा। तो सर जैसे उत्तराखंड में ही डायरेक्टर को देखा जाए, कहीं कहीं ऐसा भी यूपी के क्षेत्र में भी है, तो क्या यहाँ उत्तराखंड के डॉक्टर यूपी में भी? नहीं, यूपी में जरूरत पड़े तो जाएगा ना, जो मांगेगा देगा। यूपी में भी ट्रेनिंग हो रहा है, ये जो इन लोग हो रखा है वैसे ही एक प्रोग्राम यूपी में भी होने वाला है, उसमें कम से उसमें ज़्यादा डॉक्टर का पार्टिसिपेट होगा, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा।